थॉमसन के परमाणु मॉडल के अनुसार सोने स्वर्ण के प्रत्येक परमाणु का द्रव्यमान समान रूप से वितरित होता है, इसलिए उन्हें अपेक्षा थी कि अल्फा कण थोड़े विचलित होकर निकल जाएंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने अवलोकन के दौरान यह देखा कि अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्थर के आर पार सीधे निकल जाते हैं, जिससे पता चलता है कि परमाणु में अधिकतर स्थान खाली है। बहुत कम कण अपने मार्ग से विक्षेपित होते हैं, जिससे यह ज्ञात होता है कि परमाणु में धनावेशित भाग बहुत कम जगह घेरता है। लगभग 20,000 कणों में से एक कण सोने के अत्यंत महीन पत्थर से टकराकर उसी दिशा में लौट गया जिस दिशा से वह निकला था। यदि अल्फा कण टकराकर वापस आ रहा है तो इसका तात्पर्य है कि वहां पर द्रव्यमान वाला भाग काफी संकुचित है, न कि फैला हुआ। अर्थात परमाणु का द्रव्यमान वाला भाग परमाणु के बहुत ही कम आयतन में सीमित है। इस तरह रदरफोर्ड ने यह विचार रखा कि परमाणु में धनावेश तथा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे आयतन में होता है, जिसे उन्होंने नाभिक कहा, और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन परिक्रमा करते हैं तथा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का परिक्रमा पथ अलग होता है। इस तरह रदरफोर्ड ने प्रयोग के आधार पर परमाणु का नाभिकीय मॉडल दिया, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे वितरित होते हैं यह डेनमार्क के एक भौतिक शास्त्री नील्स बोर ने बताया। न्यूजीलैंड के ई रदरफोर्ड, जिन्हें नाभिकीय रसायन के जनक के रूप में भी जाना जाता है, उन्हें परमाणु के नाभिक की खोज के लिए 1908 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग, जिसमें उन्होंने सोने के अत्यंत महीन पत्थर लगभग 100 नैनोमीटर पतली पर आवेशित अल्फा कणों की तेज बौछार की, और इस प्रयोग से उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि नाभिक की त्रिज्या परमाणु की त्रिज्या से 10 की घात 5 गुना छोटी है।